दोस्तों, ये बात सभी जानते हैं, भारत में आज भी कई प्राचीन मंदिर हैं, जिनका इतिहास हजारों साल पुराना है। पर माँ के इस मंदिर में होते हैं एक से बढ़कर एक चमत्कार। बलि देने के बाद भी यहाँ जानवरों की जान नहीं जाती। और एक बार जब आप यहाँ आएंगे, आप खुद ये चीज महसूस करेंगे कि वाकई में ये एक जागृत शक्ति पीठ है। दोस्तों, 51 शक्ति पीठों में से एक कामाख्या शक्ति पीठ बहुत ही प्रसिद्ध और चमत्कारी है। कामाख्या देवी का मंदिर अघोरियों और तांत्रिकों का गढ़ भी माना जाता है। दोस्तों, असम की राजधानी दिसपुर के पास गुवाहाटी से 8 किलोमीटर की दूरी पर कामाख्या देवी माँ का ये चमत्कारी मंदिर स्थित है। कामाख्या मंदिर सभी शक्ति पीठों का महापीठ भी माना जाता है। इस मंदिर में आपको देवी दुर्गा या माँ अम्बे की मूर्ति या चित्र तस्वीर दिखाई नहीं देगी, बल्कि इस मंदिर में एक बहुत ही पुराना कुंड बना है जो हमेशा फूलों से ढका रहता है। दोस्तों, इस कुंड से हमेशा ही जल बहता रहता है। माँ के इस चमत्कारी मंदिर में देवी की योनि की पूजा करी जाती है और योनि भाग के होने से यह माता राजस्वला भी होती हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। मंदिर पुराण के अनुसार यह माना जाता है इस शक्तिपीठ का नाम कामाख्या इसीलिए है क्योंकि इस जगह भगवान शिव का माँ सती के पति मोह भंग करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने चक्र से माँ सती के 51 भाग किए थे। जहाँ पर ये भाग गिरे वहाँ पर एक एक शक्ति पीठ बन गया और यहाँ पर माता की योनि गिरी थी, जो आज भारत में सबसे शक्तिशाली पीठों में से एक है। यूँ तो यहाँ श्रद्धालु पूरे साल आते रहते हैं, पर दुर्गा पूजा, पुहान विहार, दुर्गा देओल, बसंती पूजा, मदान देओल, अम्बुवासी और मनसा पूजा पर इस मंदिर का अपना खास महत्व है, जिसके कारण इन अवसरों पर भक्त श्रद्धालु लाखों की संख्या में माता के इस मंदिर में मनोकामना पूरी करने आते हैं। प्रत्येक साल यहाँ अम्बुवाची अवसर पर मेले का आयोजन भी होता है और यहीं पास में ही ब्रह्मपुत्र का पानी 3 दिन के लिए लाल हो जाता है और ऐसा माना जाता है पानी का ये लाल रंग कामाख्या देवी के मासिक धर्म के कारण होता है। फिर 3 दिन बाद इस मंदिर में भक्तों की बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ पड़ती है। दोस्तों, यहाँ भक्तों को बहुत ही अजीब प्रसाद दिया जाता है। दूसरे शक्ति पीठों की अपेक्षा कामाख्या देवी मंदिर में प्रसाद के रूप में लाल रंग का गीला कपड़ा दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है माँ को 3 दिन के लिए जब राजस्वला होता है तो ये सफेद रंग का कपड़ा मंदिर के अंदर बिछा दिया जाता है और जब 3 दिन बाद मंदिर के दरवाजे खोले जाते हैं तब वो वस्त्र माता के रक्त से लाल रंग में भीग जाता है। इस कपड़े को ही अम्बुवाची वस्त्र भी कहा जाता है और इसी वस्त्र को भक्तों में प्रसाद के रूप में भी दिया जाता है। दोस्तों, भक्त अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए कन्या पूजन और भंडारा भी करवाते हैं। इसी के साथ यहाँ पर पशुओं की बलि भी दी जाती है, लेकिन बलि में मादा जानवर शामिल नहीं करे जाते। कली और त्रिपुर सुंदरी देवी के बाद कामाख्या माँ तांत्रिकों की सबसे महत्वपूर्ण देवी है। कामाख्या देवी की पूजा भगवान शिव की नववधु के रूप में भी करी जाती है, जो कि मुक्ति को स्वीकार करती हैं और मन की सारी इच्छाओं को पूरा करती हैं। दोस्तों, इस मंदिर में जो भी भक्त अपनी मुरादे सच्चे मन से लेकर जाता है, माँ उसकी मुरादे जरूर पूरी करती हैं। इस मंदिर के साथ में ही एक और मंदिर है जहाँ आपको माता की मूर्ति स्थापित मिलेगी, जिसे कामादेव मंदिर कहा जाता है। यहाँ के तांत्रिक सबसे ज्यादा सफल होते हैं बुरी आत्माओं को भगाने में। कामाख्या के साधु और तांत्रिक चमत्कार करने में भी सक्षम होते हैं। कई लोग शादी, बच्चे, धन, निरोग और दूसरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कामाख्या के तीर्थ पर भी जाते हैं। ये मंदिर 3 भागों में बना है। पहला भाग काफी बड़ा है, लेकिन इसमें हर किसी को जाने की इजाजत नहीं दी जाती। वहीं दूसरे हिस्से में माता के दर्शन होते हैं, जहाँ एक कुंड से हर समय पानी बहता रहता है। माना जाता है माता को 3 दिनों का राजस्वला होता है और इन 3 दिनों तक मंदिर के सभी पट बंद होते हैं। फिर 3 दिन बाद बड़े धूमधाम के साथ मंदिर के दरवाजे खोले जाते हैं। तंत्र साधना के लिए यह एक विशेष स्थान है, इसीलिए यहाँ तांत्रिक और साधु अपनी कठिन तपस्या और मंत्रों का जाप भी करते हैं। यहाँ पर काले जादू से ग्रसित कोई भी व्यक्ति उसका तोड़ पा सकते हैं। पूरे पूर्वोत्तर में सभी लोग साल में कामाख्या मंदिर जरूर जाते हैं, साथ ही बाहर से आने वाले पर्यटक भी इस मंदिर के चमत्कार को देखे बिना नहीं जाते। दोस्तों, अगर आपको भी कामाख्या माता के चमत्कार देखने हैं तो एक बार असम जरूर जाएं।
जाते जाते अगर आपको माँ की ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप और ऐसे ही वीडियोस देखते रहें।